तो अंजलि सुनाइए फिर क्या मैसेज है आपके लिए। प्ले मुनार साइशो मुनार 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 ऑफ कर दीजिए नहीं तो बचता रहेगा। साइशु मुनव्वर तुम तो ब्लश करने लगे। बहुत क्यूट था ये। मुझे लगा उस दिन तुम मतलब साइशा तो रो रही थी तुम उससे ज़्यादा फूट फूट के रो रहे थे। तुम्हारे जो अंदर से जो भावनाएं निकल के आई माफ़ी मांग ले साइशा माफ़ी मांग ले ऐसे मत जा साइशा ऐसे मत जा तो मुझे लगा कि मतलब इतना ज़्यादा गहरा उसे प्रेम इतना ज़्यादा भावनाएं निकल के आई नहीं अच्छा लगा मुझे देख के। उसे बहुत बैडली रहना था शो में। She wanted to stay very bad. वो गलती की वजह से। अंजलि आप अपनी जगह पे आके बैठ जाइए जरा। मुनव्वर अगर आप कहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी करूं क्या? Yes. हाँ अगर आप हाँ कहेंगे तो आपकी इच्छा पूरी करूं क्या? मतलब साइशा वापस आ जाएगी? हाँ In the game. Yes. और क्या तुम्हारी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी की बात नहीं कर रही मैं गेम की बात कर रही हूँ। क्या है कीमत? कीमत भी पता चलेगी आपको पर पहले वो आपको कुछ जलवे दिखाना चाहती हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे बाहर आने के बाद भी कई मैसेजेस भेजे और सबसे ज़्यादा तो आपका दर्द देख के मुझे काफ़ी वो लगा कि नहीं जो दोस्ती थी और बाकी सब नॉट जस्ट यू सब कैदियों ने उनको मिस किया और उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि अगर मैं आऊं तो मैं मुनव्वर के लिए अनारकली पहन के आना चाहती हूँ। देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स देखना ही पड़ेगा आप जब यहाँ तक आ गए हैं तो। यस प्लीज चलिए। यस प्लीज गार्ड्स यहाँ पे आ रही है वो वीडियो पे। सब लोग सेटल हो जाइए। लेकिन मुझे आपसे कुछ एक बात करनी है, आप बताओ तब मैं बताऊंगी। आप आगे आ जाइए कहिए आपको क्या कहना है। For you. मेरे बाहर जाने के बाद हैशटैग ब्रिंग बैक साइशा की बहुत ट्रेंडिंग हुई। मेरे फैंस ने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया लेकिन बाहर जाते ही मैं अपनी माँ और मेरी चार बिल्लियों की दुनिया में खो गई। फिर एक दिन मेरे सोशल मीडिया टीम ने मुझे बताया कि एक स्पेसिफिक स्टोरी थी जो एक फ़ैन ने लिखी थी जो मैंने इंस्टेंटली डिलीट करवाई। बाद में पता चला वो एक ट्रोल था। इस ट्रोल ने क्या लिखा था? शो के होस्ट को चेंज कर दो।
फिर मैंने ये सवाल खुद को पूछा, कंगना को चेंज करके कौन आ सकता है, कौन? आई टुक फॉर एवर टू थिंक एंड आई वेंट ब्लैंक एंड देन द ऑब्वियस आंसर केम, नो वन कैन रिप्लेस कंगना रनौत. Not on Lock Up, not anywhere else. Simply put, there's only one Kangana Ranaut. My mother's political ideologies, religious ideologies are completely contradictory to mine. My sister, who passed away 4 years ago, had a completely different perspective and opinion on life than mine. But did I ever disrespect them? No. Did I ever stop loving them? No. Strong, inspiring women should not be disrespected, period. My mother, sister, and Kangana's point of view can be different, but we can coexist, and that is true democracy. But my disrespecting Kangana was just not acceptable. Why? Because Kangana is the owner of this jail, and I am her Kaidi. Kaidi hazaar aa jayenge, but the owner of this jail can't be anyone else. She makes the show what it is. She makes the jail what it is. If there is no Kangana, there is no bloody Lock Up. जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने किसका डिसरिस्पेक्ट किया है, just like I love my mother and sister, irrespective of our different opinions, similarly, I love Kangana. I've loved her before the show. I love her during the show. And I know I will love her after the show. बस 2 सेकेंड और. मैंने पूरे शो में बहुत डिमांड्स किए हैं, बट अब एक लास्ट रिक्वेस्ट है. द वुमन हु मेक्स ऑल माई आउटफिट्स लुक किक एस, कंगना रनौत, कंगना के क्वीन, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी एंड लेट मी मेक यू लाफ एज आई हैव मेड यू लाफ ईच एंड एवरी जजमेंट डे एक्सेप्ट द लास्ट वन. श्योर, योर अपोलॉजी इज एक्सेप्टेड. एंड इन फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे चाहे जेल और कैदी के ही रिश्ते से क्यों ना हो, बट otherwise we are friends. Thank you. And you all can see me in that capacity. ये हम लोग role play ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पर, but essentially I'm your friend and nothing more than that. और दोस्तों के बीच में नोक झोंक झगड़े होते हैं. मुझे भी इस बात का बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो conversation इस तरह से out of hand हो जाएगी कि अचानक से तुम्हें lock up से lock out करना पड़ेगा, because you were uncontrollable that day. और बाद में, लेकिन मुझे जैसा सब कैदियों को लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ द जेल, और वो बहुत ही प्रीमेच्योर एग्जिट था आपका, ना आप वो डिज़र्व करते थे ना गेम के हिसाब से. एंड आई थॉट के जब आपने भी ये इच्छा दिखाई कि आप आना चाहती हैं वापस, तो आई हैड नो पर्सनल एजेंडा, और आई नेवर हैड एनी पर्सनल एजेंडा. एंड आई थिंक यू आर गुड फॉर द शो. एंड आई होप यू प्ले द गेम वेल नाउ एंड यू डू योर बेस्ट. यस, थैंक यू के. थैंक यू सो मच मैम. लेकिन अभी तक आप साइशा आप आए नहीं हो, आप सिर्फ एक ऑफर हो. नहीं, इट्स ओके, टेल मी. ओके, अंजलि इज इन द पोजीशन ऑफ पावर टू चूज और टू लेट गो. मुनव्वर, कैसा लगा है ऑफर? बढ़िया है. सीरियसली, लेविश. लेकिन कीमत भी वैसी होगी. तो क्या लगता है मुनव्वर, अंजलि को ले लेना चाहिए ऑफर या नहीं? कीमत सुननी चाहिए, और कीमत सुन के थोड़ा 2-3 मिनट सोचना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए. मैम, कीमत क्या होगी? सो ऑफर है साइशा, और अगर आप चाहें तो साइशा को लेफ्ट ब्लॉक में अपनी टीम में ले सकते हैं और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. लेकिन ये इतना आसान नहीं है. ये मेरा दरबार है, यहाँ कीमत भी हल्की नहीं होगी. कीमत होगी पूरे 75 या 80 किलो की, जो अभी उस दरवाजे से अंदर आएगी. I love you. Fuck. What is kya? I be sure. Bhai bola tha mujhe. Oh shit. Oh yaar,
बट लो क्या फिर क्या हो रहा है लो यार बेटा बैठ यार मिस यू मैन बोला ना मैं तुम्हारे को लेके आएंगे केवी बूम बम एंट्री मारी है आपने थैंक यू सो मच कंगना लगता है आप दोनों को जेल की हवा खाने का अब शौक लग गया है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ज्यादा ही रास आ गई आपको जेल की हवा मैं मम्मी को बोला था कि मैं ना लॉकअप में जा रहा हूँ वापस वो थोड़ी डर गई वापस फिर से बोले नहीं वो कंगना का लॉकअप आपको जिशान और विनीत दोनों ने मिलकर आपको लॉकआउट किया था पहले दिन से अभी तक आपकी गेम काफ़ी सुधरी है और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे लेकिन बीच में इन दो स्पीड ब्रेकर्स ने आपकी जर्नी जो है रोक दी एंड अब्रप्ट एंड जो आपकी जर्नी में आया था वो हम सबको ही कुछ ज़्यादा अत्याचारी लगा तो क्या करें ये खेल है ही अत्याचारी सही है तो लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर लॉकअप होता है क्या लग रहा बाबा डैशिंग अभी तक आप दोनों गेम में शामिल हुए नहीं हैं डिसीजन अंजलि के हाथ में है मेरा सेकंड ऑफर है साशा इन लेफ्ट ब्लॉक और कीमत है करणवीर मतलब यू हैव टू लेट गो ऑफ करणवीर एंड ही विल गो टू राइट ब्लॉक अगर आप साइशा को लेफ्ट ब्लॉक में रखना चाहते हैं तो करणवीर जाएंगे राइट ब्लॉक सोच लो और अगर मैम साइशा को राइट में डाल के करणवीर को लेफ्ट में लेते हैं देन पॉसिबल है नहीं जो ऑफर है वही ऑफर है मैं कुछ कहना चाहता हूँ Can I say something? मैं जब टीम ब्लू को देखता हूँ ना मुझे घर की याद आती है मुझे वो स्कूल के फेयरवेल की याद आती है कॉलेज के वो दोस्तों की याद आती है मुझे और रियली जाने के बाद जब मैंने इन सबको देखा इतने मायूस थे सब लोग जितना मैं था मैं देख रहा था और मैं रोता था और सबके दिल इतने भारी सो वैल्यूबल सो मतलब बेशकीमती मैंने तब सोचा कि अगर ये तो लॉकअप है अगर जिंदगी से भी मैं बाहर जाऊं ना दिस इज द लव रियली दिस इज द लव दैट आई वांट टू टेक एंड दिस इज अ ब्लेसिंग जो प्यार जो ट्रस्ट जो फेथ था हम लोगों में यू नो दैट वाज फिनोमिनल बट ब्लू में आना यानी घर आना यानी कि कंफर्टेबल होना यानी कि सेफ होना आई एम नॉट कम टू दिस लॉकअप टू प्ले सेफ आई नो इट्स अ हार्ड डिसीजन बट आई एम मेकिंग इट लिटिल इजी फॉर यू ऑरेंज में इट नीड्स अ डायरेक्शन ओके और अगर मैं ऑरेंज में जाऊं आई वुड लव टू हैव दैट सेम House, that same school farewell, the same college feeling. उसकी थोड़ी बदलेगी. मैं लोग, I'm shaking right now. I'm shaking right now. सच में इतना मुझे. Don't worry. केवी मैंने सुना तुमने क्या कहा? Calm down. लेकिन ये decision सिर्फ अंजलि का है. I know. It needs love and I'm a love monster. I'm a love monster. Yes. So Anjali, जब साइशा गई थी, yes ma'am. तो आप काफी रोई थी, yes ma'am. और उनको रोकने की कोशिश भी कर रही थी, और आपने यहाँ तक कहा था कि ये क्या हो रहा है, this is so unfair. तो अब आप उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाह रही? Ma'am, वो तो है ही हमारे पास, but चलिए अब आपको ऑफर नंबर 3 भी देते हैं. सेकेंड ऑफर इनवैलिड नहीं होगा सिर्फ फर्स्ट इनवैलिड हुआ है ओके उठाइए व्हाट इज दिस
ये हैं केवी और साइशा दोनों के बैच नंबर्स. ओके. मेरा तीसरा और फाइनल ऑफर ये है, आप साइशा और केवी दोनों को लेफ्ट ब्लॉक में ले सकती हैं, लेकिन आपको अपना कोई एक मेंबर राइट ब्लॉक में भेजना होगा. ओके. तो किसको भेजना चाहेंगे? विनीत. अच्छा मुनव्वर, आप किसको भेजना चाहेंगे? मैं? मेरे को बुलाया नहीं आपने झोलकर. नहीं नहीं, फिर भी आपकी क्या लगता है किसको भेजना चाहिए? अली. अजमा, आप किसको भेजती? अली. विनीत, आप किसको भेजना चाहेंगे? फारूकी. पूनम, आप किसको भेजती? विनीत. अली, आप किसको भेजते? मेरी ऑलरेडी काफी बॉन्ड हो चुकी थी ऑरेंज टीम में, तो आई वुडंट माइंड गोइंग इन द ऑरेंज टीम. थैंक यू. जिंदगी कुछ मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो तो आपको पता ही है. तो ये जो मेंबर होगा आपकी टीम से राइट टीम में जाने वाला, वो मैं चूज करूंगा. नो मैम. The name. Okay. जब ऑफर दमदार है तो कीमत तो दमदार होनी चाहिए ना. सोच. सोच, दो तीन मिनट ले. अंजलि, रिस्क ना लेना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है, और जो आपको सेफ लगता है वहीं आप सबसे ज्यादा अनसेफ हो. जो करण ने कहा ना कि अगर मैं अपनी कंफर्ट जोन में चला गया तो मैं सेफ हो जाऊंगा, और जहां पे ये सेफ हो गए वहां जिंदगी की जेल में ये अनसेफ हो जाएंगे. और ये जो मेरा लॉकअप है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड. यस मैम. मैम सेकंड ऑप्शन. शुक्र है, क्या बात है. बूम. तो आपने सेफ ऑप्शन लिया. और एक बार सोच, और दो मिनट ले. अरे अब तो बोल दिया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत. बोल दिया. मुझे तुम दोनों चाहिए हो, बट आई कांट. तेरा जो मन है वो कर दो. स्टैंड एंड यू मेक अ डिसीजन. स्टैंड बाय इट. यू नो यू कैन मेक अ डिसीजन एंड यू मेक अ वाइज डिसीजन, है ना. बट मैम, ने अगर उसको मुनव्वर को चूज किया तो. नहीं, अगर तेरा ये डिसीजन है तो ये सही है, वो है तो वो सही. स्टिक टू व्हाट यू आर सेइंग. व्हिच व्हाटएवर इज योर डिसीजन इज योर डिसीजन. और समटाइम्स सेफ डिसीजन. मैम एक मिनट. हां बस. मैं जो चाहती हूँ, जो कैदी राइट ब्लॉक में जाए, मैं आपको उसका नाम भी बता सकती हूँ. यस मैम, प्लीज. मुझे लगता है ये उसकी गेम के लिए और ये शो के लिए बहुत अच्छा होगा. लेकिन अगर आप में वो दूरदर्शिता नहीं है तो शायद आप वो डिसीजन ना लें. लेकिन मैं मुनव्वर को राइट ब्लॉक भेजना चाहूँगा. मतलब मुझे अलग ही रखो मुन्ना से. आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स से. मैम इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है ही नहीं. नो. सेकंड ऑप्शन. तो मतलब आप मुनव्वर के बारे में अब उससे भी नहीं पूछना चाहेंगे? नहीं. खुद आप उसके लिए उसके डिसीजंस ले रही हैं. हाँ, उससे क्या पूछना. आपने कहा ही था लास्ट वीक. आगे बढ़ गई गुरु से. सोच. नहीं. थर्ड ऑप्शन के लिए. सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन के लिए सोच सकती हूँ. ये मुनव्वर की गेम के लिए बहुत अच्छा होगा अगर मुनव्वर ये चैलेंज लेगा, बिकॉज इसकी गेम स्टैग्नेट हो जाएगी अब इसके बाद. तुम्हारे चेले पे अभी कुछ भी नहीं चलता क्या तुम्हारा? क्या पता, ये मेरा ही चल रहा हो. सो यू डोंट वांट टू टेक दैट ऑफर? आई डोंट थिंक. उससे जो ठीक लगता है, मतलब दोनों ही देखने हो तो ऑफर जो दोनों ही है वो दोनों में ऐसा है कि 50-50 वाला ही सीन है कहीं ना कहीं. बट उसको शायद अगर वो लगता है तो उसका डिसीजन है. इसका मतलब आप भी खतरों से खेलना पसंद नहीं करते हैं. आप कंफर्ट जोन में जा रहे हैं. इसीलिए तो दो बार मैंने उसको रोका कि सोच, सोच के कर. आई डोंट माइंड. यहाँ पे वो जो भी लेगी, आई डोंट रियली डोंट माइंड. मुझे आई एक्सपेक्टेड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू. आई थॉट यू विल टेक इट हेड ऑन. बट चलिए एनीवे, तो आपका डिसीजन है अंजलि कि आप साइशा को अपने पास रखेंगी और करणवीर को राइट ब्लॉक में जाने देंगी. तो करण, आप अपनी राइट ब्लॉक में सीट ले लीजिए. मुबारक हो, क्या बात है. फुल पावर.
नो हम यहीं हैं सामने तो है सब साइशा वेलकम टू लॉक अप आप लेफ्ट ब्लॉक में बैठ जाइए सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा पूरा ना To a brand new start. I think I'll need you if I stay back. Om Namah Shivaya. I need you very badly. Hello, Mahadev. Love you. Payal, kaisa laga aapko Karanveer ko apni team mein wapas paake? I'm happy. Anjali, aap apni jagah pe aa jaiye ab. Thank you, ma'am. I can't believe I'm sitting here. Aapki jagah to Saisha ne le li. मुझे तो अभी यकीन हो रहा है कि मैं इधर बैठी हूँ और इन लोगों के साथ बैठी हूँ. It's like आप इन दोनों के बीच में बैठी हैं. है ना? आवाज सुन के इतना अच्छा कर रहा हूँ. नहीं देख रही हूँ मैं क्या चल रहा है एक हफ्ते में यहाँ पे. बड़ी तबीयत की है. सब देखना वेखना खा रहा है नहीं खा रहा है बैंडेज लगी है नहीं लगी है सब देख रही हूँ मैं. रुक बेटा. तो आप लोग बिछड़े दोस्तों से बात कीजिए. आई विल बी बैक. मुझे अब मेरी रूम में जाना है जिस रूम के लिए मैं इतना तड़पी हूँ. I've kept your stuff. I know it. This still feels so strange that I'm still here. Guys, I can tell you one thing. What's happening? यहाँ पे तुम लोगों को बहुत लगेगा कि you all can't handle it. बहुत परेशानी है. ये है वो है. जैसे ही बाहर जाओगे लगेगा fuck. काश मैं और हार्ड खेली होती. मुझे नहीं होगी. मेरे देखते हैं आपको. क्यों क्यों? You just feel that. जो हम लोग का बॉन्ड बना है. Yes, बाबा. कपल का बॉन्ड बनता है. भाइयों का बॉन्ड बनता है. मैं बात करता हूँ मेरे रियली आंखों में आंसू आते हैं. मैं तो कह रहा हूँ. मैं तो वही होगी. मेरे देखते हैं आपको. कुछ कुछ भी हो जाए देख और टफ होने वाला है भाई. ये मैं ना पाँच लोगों को छः लोगों को ना मैं घर लेकर जाना चाहता हूँ. बस वही चीज़ है. ये तो इसलिए यही तो कमाया जिंदगी में. और क्या कमाया होगा. बहुत डिसीजन खतरनाक होंगे बट जो लोग बाहर फील कर रहे हैं ना भाई मैंने देखा है तुम लोगों को यार. बाबा लव यू यार. जान निकल गई थी मेरी तो. आज वापस आई है मैं जान तो मेरी. सीरियसली मैं बहुत भारी पड़ा. वेलकम बैक. आई होप यू मेड योर स्पेस. या ट्राइंग गुड डिसीजन. नथिंग पर्सनल ब्रो. नथिंग इज पर्सनल. बस वी गो बैक फ्रॉम रियलिटी शो. We leave everything out here. What happens in a reality show remains in the reality show. Super, super. क्यों नहीं दिया? Third option लेके. KV, साईशा दोनों आए. तेरे को भेजते. हाँ. Seriously. This strong player, a player जिसको पता है हम कैसा खेलते हैं, हम कैसा सोचते हैं, उसको तूने opposite team में दे दिया. अब मेरे को नए plan बनाने पड़ेंगे, नए षड्यंत्र बनाने पड़ेंगे एक रात में. बता दे कि भाई को भी डिसअपॉइंटेड. नहीं डिसअपॉइंट क्यों होगा. इट वाज योर डिसीजन. जो तुझे ठीक लगा वो तूने डिसीजन लिया. यू नेवर नो यहाँ पे रोज चीजें चेंज होती. थैंक यू. सब कैदी अपनी जगहों पे वापस आए. तो टीम वापस से शफल हो गई है. करणवीर यहाँ आ गए हैं राइट में और साइशा वहाँ चली गई है. कैसा लग रहा है टीम मेंबर्स? शिवम अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत याद आ भी रही होगी लेफ्ट ब्लॉक को अब नहीं आएगी. अब मुझे भी याद नहीं आ रहे हो. बाबा इधर है. जहाँ अपना लीडर है वहाँ पे हम बात करता हूँ. एंड ऑफ स्टोरी. करणवीर और साइशा एक हफ्ते बाद आए हैं. तो आप लोगों को क्या लगता है इनके आने से सबसे ज़्यादा कौन हिल गया है? मेरे आने से मुझे पता दो लोग थोड़े शौक में है कि उनका बेनकाब जोन फेल हो गया. तो जिशान करण का कहना Sorry. है कि आप और विनीत थोड़ा हिल गए हैं इनके वापस आने से. आपका क्या कहना है इस पे? वही दिन बेनकाब हो गई थी कंगना जी. एंड द थिंग इज दैट मैंने तभी भी उनसे कहा था कि मैं ऑरेंज टीम का हिस्सा होने के लिए गया था एंड ऑब्वियसली ब्लू टीम से एक ही नाम था. सो आई हैड नो अदर ऑप्शन. आई हैड टू गिव हिज नेम. किसी और का अपनी टीम में से नाम नहीं दे सकता. और आई अपोलोजाइज फॉर दैट टू हिम. बट बिकॉज आई डिडंट नो 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 बिकॉज आई डिडंट नो हिम दैट वेल. इनफैक्ट आई डिडंट नो एनीवन. एंड इतना बड़ा डिसीजन ऑन माई फर्स्ट डे आई डिड दैट एंड ही वॉज लाइक ओके गुड ऑल गुड आफ्टर दैट.
पर जब विनीत का भी नाम करण आया, आई जेन्युइनली फेल्ट बैड. आई वाज लाइक यार, मतलब हाउ, ये कैसे हो गया, मैं अभी जस्ट आया हूँ, आई डोंट नो एनीवन, एंड यू नो मेरे वजह से एंड विनीत के वजह से समवन इज यू नो अबाउट टू लीव द शो. आई वेंट अप टू हिम एंड आई वाज लाइक आई एम रियली सॉरी ब्रो, एंड ही इज लाइक ब्रो डोंट टच मी. सो आई वाज लाइक बट हाउ डू यू डोंट हैव टू बी सॉरी. जब आप कुछ करते हो ना वो अत्याचारी खेल है कंगना, जैसे आपने कहा ये शो ही ऐसा है. You know, of course, you are here to play the game. Exactly. And you should not be sorry. Hmm. Vineet, aapka kya kehna hai ispe? Ma'am, it's just a game. I was playing my game, that's it. लेकिन गेम अभी बाकी है मेरे दोस्तों. आज आप में से कोई एक आउट होगा. वो दो आए तो हैं, लेकिन एक कोई आउट होने वाला है. आज है जजमेंट डे और आज होगा सारे अनसेफ कैदीज का जजमेंट. पायल, पूनम, अली, आजमा और निशा सब बाहर आ जाएंगे. जैसा कि आप जानते हैं, आपको यहां बचने के चार मौके मिलते हैं. पहला जजमेंटल जनता, दूसरा जब आपके को कैदीज आपको बचाते हैं, तीसरा सीक्रेट्स, और चौथा मैं खुद. जनता किसी एक को मैक्सिमम वोट्स देके बचा सकती है, लेकिन आखिर में बचे अनसेफ कैदीज की किस्मत का फैसला मेरे हाथों में होता है. अब आते हैं जजमेंटल जनता पे. हमारी जो बाहर वाली दुनिया है ना, वो आपको हर चीज में जज करती है. कैसे खाना खा रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, कैसे उठते बैठते हो. तो ये सोच लो, जब वो सारा हफ्ता 24/7 आप लोगों को देखते हैं, तो आपको कितना जज करते होंगे. बेसिकली आप कुछ करो तो भी जज होंगे, और अगर ना करो तो भी जज होंगे, क्योंकि जनता है ही जजमेंटल. और आज जो जजमेंटल जनता का फैसला है, वो एक कैदी जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं हो जाएगा सेफ. क्या लगता है, चार्जशीट लगे हुए कैदीज में से सबसे ज्यादा वोट्स किसे मिले होंगे? अंजलि मैम, मुझे लगता है आजमा. मुनव्वर, आजमा पायल में से एक चाहता हूँ, आजमा को आए हो. पायल और पूनम का नाम तो परमानेंट हो गया है चार्जशीट में. शिवम, आपको क्या लगता है? मैम, आजमा और पायल जी में से कोई एक होगा जो सेव हो सकते हैं, बट मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस आजमा के हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट फ्लेवर लेकर आई हैं इस शो में, तो मुझे लगता है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा. बस यही एक रीज़न है मेरा, और बाकी चिल्लम चिल्ली तो लोग देख ही रहे हैं इतने महीनों से मैम की. करणवीर, आप बाहर से, आपको क्या लगता है किसको बचाया होगा जनता ने? पूनम की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है पूनम और आजमा भी हो सकती है, बिकॉज आजमा इज अगेन एक नई स्पाइस है वो. सो आई थिंक इट्स बिटवीन पूनम एंड आजमा. शायशा, आपको क्या लगता है? आई फील आजमा, जैसे सबने कहा, शी इज ब्रिंगिंग समथिंग वेरी डिफरेंट टू द शो. आई डोंट अग्री विथ हाफ द थिंग्स शी डज, बट इट्स वेरी डिफरेंट फॉर द शो. तो आई फील ऑडियंस ने आजमा या तो पूनम में किसी को बचाया होगा, बट आई फील आजमा को ही बचाया होगा. करणवीर, आपका जजमेंट सही था. जनता ने जिसे बचाया वो है पूनम. What? Are you serious? पूनम, you are the most voted contestant this week. आपको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं ओवरऑल भी इस वीक. आपकी एंगेजमेंट भी सबसे ज्यादा है. कंग्रेचुलेशंस, आपको जजमेंटल जनता ने बचा लिया है. थैंक यू. टेक योर सीट. अब बचे आप चार कैदीज जो अभी भी अनसेफ है. अब अपनी कैलकुलेशंस लगाइए और सोचिए आप में से कौन होगा इस लॉकअप से आज लॉकआउट. I will be back. Congrats, sizzling boo. Congratulations, sizzling boo.
रो क्यों रही है? Just break. Yes. Huh? All this stress has broken down. पता है कितनी late आई है तू? अरे आज तो मूवी निकाल दिए बाप रे वाह क्या मैं कितना लेट आई कितनी लेट आई है तू वन डे में क्या मैं देख रहा हूँ ना इनो मतलब लिटरली कमेंट सेक्शन ब्लॉक करवा रखा था साबित हो गया कमेंट सेक्शन इसलिए हैंग हुआ था पूनम जी वादा पता है ना दो इनफैक्ट वहाँ पर बार ट्रेंड रहा है नहीं पूनम पूनम वहाँ पर ट्रेंड चल रहा है ब्रिंग पूनम बैक आउटसाइड पूनम पांडे जो अपने बाहर से मुंह करती नहीं है आदि शक्ति है फुल पावर यस आई एम डिसअपॉइंटेड माय फैंस I will make sure Poonam Pandey apna promise pura karegi. Kya kya? She's gonna go topless if she goes, if she gets saved this week. No, 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 no. I'll tell you. Not topless. Saisha, what did you say? Topless. No, not topless. हाँ, okay. भई मुझे किसी ने बोला यहाँ पे मुझे नहीं पता. सब अपनी जगहों पे बैठ जाइए. इस हफ्ते हमने देखा कि जेल में बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही थी. लुका छिपी की बहुत ज़्यादा गेम्स चल रहे थे. कोई लोग उल्टी सीधी हरकत करके मुंह छुपा रहे हैं, कोई कॉइन्स छुपा रहा है, कोई ड्रायर छुपा रहा है, तो कोई जूते. तो मैं आप लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हो गई हूँ. मैंने सोचा मैं भी कुछ छुपा देती हूँ. सो अनसेफ कैदीज, मैंने यार्ड एरिया में चार कार्ड छुपाए हैं, जिसमें से दो कार्ड्स शिवम से इंस्पायर्ड हैं. Hey, yes, man, versatile, the versatile. सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड होता है ताश के पत्तों का. जोकर जोकर कार्ड यस कुछ भी बन सकता हूं मैं कभी भी. और दो कार्ड्स कुछ और कैदियों से इंस्पायर्ड हैं, आप खुद गेस कर लेना. गुलाम के कार्ड्स. और यही कार्ड्स आज आपकी किस्मत तय करेंगे. अगर आज आप खुद को लॉकअप से लॉकआउट होने से बचाना चाहते हैं तो आपको इन कार्ड्स को ढूंढना होगा. ये बाथरूम एरियाज में नहीं है, सिर्फ यार्ड एरिया में है. आपकी किस्मत आज इन्हीं कार्ड्स में है. अगर आपको कार्ड्स मिल जाएं, तो यार्ड एरिया में आकर कैमरा में आके दिखा देना. और हाँ, इसमें किसी की मदद लेने की कोशिश मत करना, ये खुद ट्राई करो और खुद ढूंढो. आप लोग कार्ड्स ढूंढिए. यू कांट हेल्प. Smoking area. सब लोग अपनी अपनी जगहों पे वापस आ जाइए. चार्जशीट वाले कैदी जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े हो जाइए. तो बताइए किस किस को क्या क्या कार्ड्स मिले. मैम मुझे दो कार्ड्स मिले जोकर के. जैक जे मुझे एक कार्ड मिला है जोकर का. नहीं, ये गुलाम के कार्ड्स है दो. चार अनसेफ कैदी थे तो चारों को एक एक ही ढूंढने थे. लेकिन चलो असमा तुम्हारा जैकपॉट लगा, नॉट अ प्रॉब्लम. तो नाउ यू हैव टू बी जेनरस. पायल और निशा में से किसी एक को आप अपना कार्ड दे सकती हैं. एक मतलब मैम देना ही पड़ेगा. आपको एक ही चाहिए. निशा पायल और निशा, आप लोग एक कार्ड को कितनी बार दोनों पूरी छानबीन करके उसको मिस करती हुई आई हैं. आई विल शो यू. काला पानी में जाइए नीचे डंजन में और वहाँ देखिए. निशा आप रहने दीजिए, आप को कार्ड मिल चुका है. वहाँ स्टेयर्स के पास देखिए पायल, दीवार पे देखिए, दीवार पे ये यही होता है. आंखों के सामने चीज़ें होती हैं और फिर भी दिखाई नहीं देती.
ताश में जोकर का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहां भी जोकर्स की कोई कमी नहीं है जो चेहरे पे मुखौटा डाल के घूम रहे हैं। ये जोकर्स यानी कि आपके को कैदीज आप में से किसी एक को बचाने का फैसला करेंगे। अब देखते हैं ये जोकर्स आप में से किसकी गेम पलटते हैं। आपको मिला है गुलाम कार्ड और आज आप अपने को कैदियों के गुलाम बनते हैं। तो जोकर आया है पायल और अली के पास, राइट? कैन यू शो योर कार्ड्स? तो देखते हैं अब ये आप में से, आपके को कैदीज आप दोनों में से किसकी गेम पलटते हैं। बाकी के दोनों जिनको गुलाम मिला है बैठ जाइए। तो एक एक करके सारे कैदीज बताएंगे कि इन दोनों में से किसे बचाना चाहते हैं और क्यों। विनीत, मैं अली को बचाना चाहूंगा, आई हैव अ गुड बॉन्ड विद हिम। मैम अली, बिकॉज वो हमारी टीम में है और कोई मतलब नहीं बनता पायल को बचाने का, इसलिए अली। डेफिनेटली अली, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। पायल का खैर, नेक्स्ट। मुनव्वर, मेरा थोड़ा शॉकिंग होगा, अली मर्चेंट को बचाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत इम्प्रूव कर रहे डे बाय डे और जैसे कि अभी देखा वो कार्ड भी ढूंढना था तो उनको मिल गया, पायल को नहीं मिला। तो इट्स अ रेगुलर गेम प्ले ऑफ पायल कि समझ में बहुत लेट आता है, तो आई थिंक अली। अजमा, आई थिंक अली, अभी उसका गेम थोड़ा बहुत इतना मुझे कुछ खास लगता नहीं है, बस वो टास्क परफॉर्म करता है, उसके अलावा मैं कुछ एक्टिविटी नहीं देखती हूँ, बट स्टिल आई थिंक उसको सेव करूँगी ताकि वो कुछ करके दिखाए। पूनम, ऑब्वियसली अली फॉर मी, अली का गेम बहुत बहुत चेंज होता दिख रहा है अभी और ही इज प्लेइंग अमेजिंग, एंड मैं चाहती हूँ कि ये शो में रहे और इस गेम को और अच्छे से खेले जैसे वो खेलते हैं। जिशान, अली मेरा भाई है एंड डे वन से मेरी उसके साथ बॉन्ड हुई है, तो ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, अली। वंदना, डेफिनेटली अली, ही इज माई मैन एंड आई थिंक आई हैव बीन हैविंग ए रियली नाइस क्राफ्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप और व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम टू सी हिज गेम, इट्स इम्प्रूविंग डे बाई डे, एंड आई डेफिनेटली थिंक ही डिजर्व्स अनदर चांस टू बी इन द जेल टू प्रूव हिम इवन हिमसेल्फ एंड हिज गेम इवन मोर। शिवम, मैम अली को ही बचाना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पायल जी जाएंगी, क्योंकि मैं साइन ऑफ गॉड में बिलीव करता हूँ, क्योंकि उनको कार्ड नहीं मिला, इस वजह से मेरा यही एक रीज़न रहेगा कि वो यहाँ पे ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि यहाँ पे रहें वो, और कोई रीज़न नहीं है। और अली की गेम मैं देख ही रहा हूँ कि जैसे डे बाई डे इम्प्रूव हो रही है, इज अ गुड मैन, तो आगे देखते हैं। वो चीज़ है। निशा, सो आई फील अली बिकॉज नॉट ओनली इज ही गुड विथ हिज टास्क बट ऑल्सो ही इज हाईली मिसअंडरस्टूड, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं इस बात के लिए, एंड आई थिंक पायल आई हैव फाइनली अंडरस्टूड हर दिस वीक, सो आई डेफिनेटली वॉन्ट हर टू गो होम। करण, मैं पायल की कोई भी बात मैं नहीं मानता हूँ, बट बिकॉज मैंने खुद मेरे दिमाग में मैंने चूज़ किया है ऑरेंज के लिए, एंड आई थिंक एटलीस्ट वन चांस एवरीबडी शुड गेट। मैं तो ब्लू में था तब, आई डोंट वांट टू गिव हर एनी चांस, आई वुड लाइक टू गिव हर दैट वन चांस, एंड लेट्स सी इफ शी प्रूव्स मी रॉन्ग और राइट। आई विल गो फॉर पायल। डजंट मैटर, ये वोट तो ऑफकोर्स मेजोरिटी हो गया, लेकिन आपने वोट नहीं दिया, आपने कुछ और किया। तो पायल, ये तो आपको एक्सपेक्टेड होगा ही कि आपने कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं, अलायंसेस नहीं बनाए हैं। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आई एम ओके विद दिस, आई नो दे डोंट लाइक मी, आई डोंट लाइक देम, बट आई एम हैप्पी टू हियर करण्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज करण के जाने के बाद बहुत चीज़ें हुई घर के अंदर, जहाँ पे एक्चुअली आई फेल्ट दैट करण वॉज गुड, he was a good good player and maybe really yes in not a mean way, in not a mean way. 2 din baad mujhe uske khilaf badkari di, dekho maine kaha ki bahut sari cheeze main nahi believe karta hu aur maine dekhi bhi hai, but unko main nazar andaz nahi kar raha hu, but I would like to give you that one opportunity, yes, okay, see, for our team. See, you have gone outside and you have seen, and I'm okay with whatever you have seen, because I stand by whatever I have said, done, spoken.
I remember everything. Aisa nahi hai ki main muh pe kuch hu, peeth pe kuch hu. So I am okay with whatever. But I am glad you just said my name for that one bit. Because ye ghar mein kya hai? Bhed chal hai. Ek jayega, sab bhed chal ki tarah wahan pe chale jayenge. Last week, Ali ko kachra bolna tha, to sab bhed chal ki tarah usko kachra bol rahe. Is week, Ali aur Payal khade hai. Ek minute. We're not talking to you. So, she's not asking you, so don't butt in. Don't butt in, yaar, you'll get your time. Don't butt in. Iran se aaiye, don't butt in. So, your time's up. I am okay with... Iran se aaiye na, kahan se aaiye? So, the whole thing is, I am okay that they have supported him. Because इसने दो हफ्ते काम किया है, इसने टास्क में मेहनत करी है, इसने बॉन्ड्स बनाए हैं सबके साथ. जिस व्यक्ति को लास्ट वीक कचरा बोला गया, उस व्यक्ति को आज ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, which is a good game, no for him. So I'm happy for him. But for me, I'm very happy. इसकी happiness आपकी sadness ना बन जाए. Yes. तो अली, जी. आप तो safe हो गए हैं क्योंकि आपके co-caddies ने safe किया. Thank you, guys. So do I have to go out? Yes. Can I say bye? Yes, of course. और पायल, आप अभी भी unsafe हैं और आप bottom में जाती हैं. Okay. देखा एक card कैसे पूरा का पूरा game बदल सकता है. लेकिन दो और कैदीज अभी भी unsafe हैं. आप लोग सोचिए कि आगे क्या होगा. I will be back. Don't worry. सब ठीक होगा जो भी होगा. मुझे नहीं लगता कि आप जाओगे. मुझे लगता है. नहीं, लुक ना, यू वर लाइक एवरीबॉडी वोटेड फॉर यू. तो मुझे लगता है पायल या मुझ में से कोई एक होगा. ओके, तुमने आज उसके मुंह पे थूका है, जिशान के मुंह पे आज. क्या बात कर रही है? यस. क्या लग रहा है हम तीनों में से? ये तो नहीं जाएगी तो पायल और मेरे में से. मुझे लगता जानी चाहिए. हां भाई, पायल और मेरे में से एक जाएगा. पायल. संग्राम, मैं एक हफ्ते से वोटिंग के लिए कह रही हूँ और मुझे पता है तुम्हारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं. मैं तुम्हारे से वोटिंग नहीं हो पा रही और पूनम पांडे के एक दिन में हाईएस्ट वोटिंग आ जाती है. ये नैरेटिव इनको पसंद है. उसको कंधा मत देना, उसकी बंदूक चलाने. जिशान, जिशान उसके निशाने पे, वंदना उसके निशाने पे. फिलहाल ये दोनों भाई, मैं यहाँ पे संबंध बनाने नहीं हूँ. जो बनने थे वो बन गए बस. सब अपनी अपनी जगहों में वापस आ जाइए. जिनको दो गुलाम कार्ड्स मिले हैं वो बाहर आ जाइए. तो दो गुलाम कैदियों को मौका मिलता है अपने सीक्रेट के गुलाम बनने का. तो अगर आप इस लॉकअप में बचना चाहते हैं तो अपने सीक्रेट की गुलामी छोड़िए और अपना सीक्रेट सबके साथ शेयर कीजिए. निशा, आपको पता है आप दो चांस खो चुकी हैं. तो आजमा, आपके पास वो चांस है. आप अपने आप को सेव कर सकती हैं. आप बेनकाब जोन में जाइए. आपको एक वर्ड दिखेगा जो आपके सीक्रेट से रिलेटेड है. जाओ या नहीं? हम रेडी है. बताइए, कोई भूत भूत तो नहीं आ जाएगा? ये बाप रे, कितना डरावना रूम है. Talk to me, stranger. Oh. अभी इनके जैसी मेरी भी हालत होगी. मैं भी आ रही हूँ तुम लोगों के साथ दीवार पे चिपकने के लिए. आजमा, आपने अपने सीक्रेट से रिलेटेड वर्ड देख लिया. यस मैम. तो क्या आप वो सीक्रेट शेयर करके खुद को सेफ करना चाहती हैं? यस. तो बजर दबाइए और पेपर साइन कीजिए. तो आजमा, आप अपना सीक्रेट शेयर कर सकती हैं. तो मैम, मैं एक सोशल मीडिया ऐप पे काम करती थी, जिस ऐप पे मैंने स्ट्रेंजर्स लोग से बहुत ज़्यादा पैसे लूटे. अबाउट 40 to 50 lakh रुपीस. लेकिन वो मुझे कट होके मिलता था, पूरा का पूरा नहीं. तो आपने स्ट्रेंजर्स को क्या कहा?
वहाँ पे सिर्फ मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं नए नए लोगों से, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिच और जिनको किसी की तलाश होती है कि कोई फ्रेंड बने, तो वैसे लोगों को मैं झूठ बोल बोल कर पैसे लेती थी। किस टाइप के झूठ बोलती थी आप अजमा? मैम मेरे फैमिली में पहले कंडीशंस अच्छी नहीं थी, मेरी आंटी को भी कैंसर था जिनको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, तो मेरे आंटी के लिए भी वो सपोर्ट करते थे, प्लस मेरे फैमिली में मैं अकेली अर्न करती थी। पहले मैं बहुत कम अर्न करती थी, लाइक 10-20 हज़ार रुपये बस, उसमें इतना खर्चा नहीं चलता था मेरे फैमिली का। तो कुछ भी झूठ बोल के कि मेरे फैमिली को ये मतलब ये ज़रूरत है वो ज़रूरत है, और मैं सच भी बोलती थी और लोगों ने मेरे सच के लिए भी मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि लोग जानते थे कि मैं अकेली हूँ, छोटी हूँ, और मेरे घर में कहीं सोर्स ऑफ इनकम नहीं था पैसे का कुछ भी। और मेरे मॉम डैड भी दोनों को डायबिटीज़ है, और मैं चाहती थी कि उनका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, लाइक सबसे बड़े हॉस्पिटल में पुणे के, उनका सारा ट्रीटमेंट हो। इवन मेरी खाला को भी, मेरी जो उनकी डेथ हो गई है कैंसर से, उनको भी मैंने कैंसर में बहुत सपोर्ट किया, उनको मैंने अपने घर पर लेकर आ गई थी इनफैक्ट। एंड प्लस मेरी नानी की भी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मैं उनका भी पूरा ख्याल रखती हूँ। तो ये सारा अब हमें, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी जॉब पे एक फ़नी फिल्म भी बनी है, शायद एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस की है। क्या आप कुछ वैसी जॉब की बात कर रही हैं जहाँ पे दोस्त बनाने होते हैं और उनका मन बहलाना होता है? मैम वो ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट वो लोग मैं कुछ भी मांगू तो मेरे वो ऐसे दे देते थे, वो ऐप्स पे ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो आप आपको गिफ्ट्स देते हैं जो पैसे में कन्वर्ट होते हैं, वैसे टाइप का है वो ऐप। क्या आपके पेरेंट्स इस बारे में जानते हैं? मेरे मॉम डैड को नहीं पता है कि मैंने किसी को ऐसा लूट के पैसे लिया होगा, उनको बस इतना पता है कि मैं सोशल मीडिया से अर्न करती हूँ, लेकिन कैसे अर्न करती हूँ, क्या बोलकर अर्न करती हूँ, ये उनको नहीं पता है। ठीक है, अब क्या लगता है आपको कैसे रिएक्ट करेंगे वो? ऑब्वियसली उनको बुरा लगेगा कि मैं स्ट्रेंजर से बात करती हूँ और पैसे लूटती हूँ। लेकिन अजमा, हाँ, आज आपने अपना सीक्रेट सबके साथ शेयर करके जैसे अपना दिल हल्का किया है, वैसे ही बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंगे। सच और सही, गलत और झूठ, कई बार जब इंसान के हालात ऐसे होते हैं कि इनके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। हाँ, हीरो कौन है और विलन कौन है ये लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ये सिचुएशन और पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है। तो आपने आज जो अपने सीक्रेट शेयर किए हैं, आई होप कोई भी लोग आपको जज ना करें उस चीज़ को लेके। तो आज आपने अपना ये सीक्रेट शेयर करके सबके साथ अपने आप को सेफ कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जाके बैठ सकती हैं। पायल और निशा आप दोनों साथ में आ जाइए। आप दोनों हैं बॉटम टू में, आप दोनों में से आज कोई एक मेरी जेल से लॉकआउट हो जाएगा। आप दोनों को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूं कि आप दोनों आज शो में कहां खड़े हैं। आप दोनों ही लीस्ट वोटेड कंटेस्टेंट हैं इस टाइम पे। और आप दोनों में से सबसे कम वोट पूरी जेल में, सबसे कम वोट्स मिलते हैं पायल को इस हफ्ते। और उससे सेकंड लास्ट हैं निशा आप। लेकिन ये अब मेरा डिसीजन है कि मैं आप दोनों में से किसको जेल में रखूंगी। मेरे लिए अगर चॉइस होती तो मैं किसी और को बाहर भेजना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने आप दोनों को यहां चुना है, तो मैं आप दोनों में से, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन मैं वही करूंगी जो शो के लिए ठीक है। और निशा आप जानती हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी है, ये मैंने बात सारा को भी कही थी कि जो आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह से आप सबकी दोस्त बन के रहती हैं, सबके हक के लिए खड़ी होती हैं, मिस कंजीनियलिटी टाइप जो आपकी पर्सनालिटी है, वो शायद किसी और शो के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती हो जी। और वहाँ आप फाइनलिस्ट ही नहीं, विनर भी हो सकती हैं जी। लेकिन मेरे इस शो के लिए आपने देखा होगा कि आपके जो लोगों के साथ तनाव भी होते हैं या मुद्दे भी होते हैं,
वो कहीं भी एक अपने हक के लिए तो आप बात करती हैं, लेकिन जो एक बैड एस यू नो मुझे आप में वो नहीं दिखता है। तो मैं उसी कैदी को रखना चाहूंगी यहां पे जो इस खेल में बहुत ज्यादा चाहे आतिशबाजी करे, चाहे गंदगी फैलाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन कुछ करे। लेकिन आपकी गेम पिछले एक हफ्ते में काफी स्टैग्नेट हुई है, एंड आई थिंक फॉर दिस गेम एज ऑफ नाउ पाइल विल वर्क बेटर, चाहे वो सबके अगेंस्ट होके या चाहे सबके खिलाफ होके, चाहे कुछ भी है, चाहे मोस्ट हेटेड पर्सन बन के, लेकिन वो एंगेजमेंट जेल में ला रही है। एंड थैंक्स टू एवरीबडी एल्स जिन्होंने उसको इतना मैग्नीफाई किया हुआ है, इतना ज़्यादा लार्जर देन लाइफ बना दिया हुआ है कि आज मुझे आपसे ज़्यादा, जबकि वो आपसे कम वोट्स उसको मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा मिर्च मसाला ये लेके आ रही हैं शो में जी। तो निशा आपके पास 2 मिनट हैं, आप सबको बाय कर लीजिए। बिफोर दैट कंगना, आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक यू। ऑफ कोर्स इट्स एन इमोशनल मोमेंट एंड बट इट्स बीन अ जर्नी। आई ट्राइड टू बी एज बैडएस एज आई कुड बट दिस इज माय लिमिट, सो थैंक यू। एंड वी अंडरस्टैंड दैट एंड निशा यू विल गेट मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज जी। एंड मुझे सच में ही आपने एक बात तो दुनिया में प्रूव कर दी कि जो भी आपके बारे में दुनिया में धारणाएं हैं और जो भी लोग आपके बारे में बोलते हैं कि पागल है, ये है, वो है, मैनिपुलेटिव है, कुछ सामने कुछ करती है, पीछे कुछ करती है, एंड यू नो जो भी आपके बारे में धारणा थी वो सब आपने झूठ साबित की हैं। जो आपका कॉन्डक्ट है इतने अप्रोप्रिएट है कि वो जेल में सूट ही नहीं कर रहा। थैंक यू, दैट मींस अ लॉट। आई थिंक दिस इज गोना बी लाइक द वर्डिक्ट फ्रॉम द क्वीन एंड आई टेक दैट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू एंड आई बिलीव दैट यू विल डू सो मच मोर एंड गोइंग फॉरवर्ड। जैसे आपने कहा यू डोंट हैव टू फिट इन टू अ प्लेस, यस यू नो यू आर योरसेल्फ। फॉर मी यू वर नॉट द बैडएस्ट विनर बट लेकिन अगर कोई घर घर की कहानी होती देन यू आर द आइडियल विनर फॉर दैट काइंड ऑफ अ प्लेस, राइट। मगर आपने अपने दुश्मनों को गलत साबित किया एंड फॉर मी इवन दैट इज अ विन। थैंक यू, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गिव माय लव टू काविश। आई विल, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव बैक टू यू टू। ऑलराइट गाइस, हगी टाइम। कांग्रेचुलेशंस पायल, आप सेफ कैदियों के साथ बैठ सकती हैं। बैक कर देना जैसे बोला था, ठीक है। इसके बाद आप जा रहे हो। ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा था हम चाय पियेंगे। ठीक है, मांगो के फ्रॉम दैट ट्रे का मंगवा। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट काविश, आई लव यू, ऑल द बेस्ट। आई एम सो हैप्पी दैट दिस वीक वाज सो डिफरेंट फॉर अस एंड वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके वी, बैड टाइमिंग फॉर अस बोथ, रियली, बट लॉट्स ऑफ लव टू यू। ओके, टेक केयर यार। एक बार वो गा दे, यू एंड मी इज इक्वल टू वी। हां, एक बार सब लोग मेरे साथ। ऑलराइट, कम ऑन। यू एंड मी इज इक्वल टू वी, यू एंड मी इज इक्वल टू वी, वी आर टीम बी, वी आर टीम बी, गो ब्लू गो, गो ब्लू गो, लव यू। समझे या समझाओ। Bye guys. Bye. सब अपनी जगहों में बैठ जाइए। अब जुबान नहीं एक दूसरे का दिमाग पढ़ने की जरूरत है। अब चलने से काम नहीं चलेगा, अपनी गेम को भगाना होगा। You think you know each other? Trust me, you don't. अब चाहे दिल से खेलो या दिमाग से, just play it better. See you next week. नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने किसी की भावनाओं को हर्ट किया, एक कम्युनिटी की भावनाओं को अगर मैंने हर्ट किया, देन आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का मुद्दा ना बनाएं। आशा करती हूँ कि इस बात को आप यही इस शोके में ख़त्म कर दें। तो हाथ जोड़ के जिन भी भारतीय मुसलमानों को लगा है कि मैंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है एक स्टेटमेंट से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। केवी से बच के रहे बस।
I know. नहीं पर थोड़ा ज़्यादा बच के रहे। I know. एक उसने जिस जिस तरीके से चाबियां मारी है ना लोगों को, हाँ, it's like तेरे खिलाफ और बाकी लोगों in general just फोकट की चाबियां मारी हर जगह पे और अभी भी जो उसने हाँ उसको वही चाहिए था। I know वो खाली हीरो बनना था, have team blue ये वो। I think उसका main motive ये है कि झगड़े हो क्योंकि उसको लग रहा है कि उसी की वजह से वो आगे जाएगा, उसकी वजह से वो ज्यादा दिखेगा, सेफ दिखे, सेफ रहे, क्यों, और इसीलिए वो पायल को बचा रहा था क्योंकि मैं तो बोला भी आई नो तुमने क्या किया, वो पायल को पायल के साथ झगड़ने के लिए ही वो सब कर रहा है। बट एवरीबॉडी इज टॉकिंग आउटसाइड अबाउट द शो, एवरीबॉडी एंड ना एक अलग छाप बनी है शो की एज ए रियलिटी शो। मुझे इसका कुछ इतना ये नहीं लगता ऑनेस्टली बिकॉज इसका एटलीस्ट पता है कि ये क्या है कैसी है बराबर। मुझे यही ना, सॉरी बॉस, आई नो सॉरी, जिस दिन था उसी दिन मेरे को पता चला था वो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर वाला, ही इज सच अ गुड एक्टर, ही इज सच अ गुड एक्टर, आई नो, वो उसका एक्टिंग भी दिखता है। मैं एक बात बताऊँ तो एक शायरी मैंने बोली थी शायद याद हो यानी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है तुम में और मुझ में, नकाब तो मैंने भी पहन रखा है, तुमने हमदर्द होने का पहन रखा है, मैंने अनजान होने का। पक्का ना अनजान ही है, पक्का ना जान के अनजान है ना। अपने जो पांचों के जो ना रोने वाले इतने सारे रील्स, शिवानी बहुत इधर का उधर करता है, बहुत इधर फ्लिप करता है, तो बहुत जल्दी फ्लिप करता केवी डाउन हो जाए दो तीन। जब मैं एविक्ट हुई ना केवी अभी फुल मेरे को टारगेट कर, जब मैं एविक्ट हुई थी, मेरे एविक्ट होने के बाद जब वो इफेक्ट हुआ था, यही सब बातें हो रही थी, अभी मुन्ना को हराना है लाइक उसको पता नहीं उसका लाइक फॉर मी ना मोस्ट इम्पोर्टेंट मुन्ना हराना, हाँ उसको ऑन वीडियो कॉल, इसलिए तो उसको अपोजिट टीम में जाना है ना, ओके ऑन वीडियो कॉल विद यू, पर पूनम को कुछ पिकअप करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा है, उसको कुछ भी बोलता आ रहा लगता है। आई वॉन्ट यू गाइस overshadowed. Of course, dude. She's already being overshadowed. Exactly. Already being overshadowed. It should be like a एक person है. पायल oh ये task है हम लोग का. And the one person who's burning her ass very hard, it's me. Least votes. तो मैं वही बोल रहा हूँ. उससे ना लड़ो, ना उसे दोस्ती रहो. उसको एक average contestant जब कर दोगे ना तुम, उसका जो जा रहा है बाहर, वो यही बन के heroine हुई है कि उसको सब target करके corner कर. Heroine तो नहीं हुई. विलन जो भी है बट इस तरह के लोगों को सिंपैथी मिलती है उसका ये गेम में उसने झगड़े के सिवा अभी तक कुछ किया नहीं। देखिए अभी जो वाइल्ड कार्ड है ये बहुत टेढ़े हैं, इनके साथ हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इतनी देर तक आए हैं तो हम थोड़ा एक दूसरे को टॉलरेट करके आगे चले जाएं। मैं तो चार्जशीट में हूँ अगले हफ्ते, तो मेरा तो हर हफ्ते का है, आप लोग अपने हिसाब से डिसीजंस लीजिए क्योंकि अगर मुझे लोएस्ट वोट आते हैं तो मैं भी चाहूँगी कि कोई वाइल्ड कार्ड आए चार्जशीट में। नहीं वो आपको तो डाल के कोई फ़ायदा भी नहीं है तो, बट मैं तो हूँ ना अगले हफ्ते, मुझे कंगना तो डायरेक्टली डाल दिया है। आप नहीं जा रहे हो ना कहीं? मुझे नहीं जाना तो नहीं चाहती, जा पूनम के साथ लड़ाई कर लूँगी चार और हफ्ते, मुझे भी फिनाले पहुँचने दो क्योंकि मेरे भी फैंस हैं। चार हफ्ते में फिनाले, माँ कसम, अंजलि और पूनम के साथ लड़ाई, how big that nice. is, but listen, but हमें सोचना पड़ेगा बिकॉज मंदाना जी जो है आपको उन्होंने धक्का दिया ठीक है अरीना में, मैंने उनको केवी आते साथ में काम पे लग गया, उधर मत जाओ वो उनकी फील्ड है, वो कैसे खेलती है, वो इतना फेक नैरेटिव डालती है, दैट इज डिसगस्टिंग, आप समझ रहे हैं। मैं आपको यही बोला था वहाँ पर बाहर कि आपने जगह बनाई है किसको निकाल कर, मुझे निकाल कर, और वो जगह आपने बनाई नहीं, उसका आपने फ़ायदा ही नहीं उठाया, जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा कि साला इतना बड़ा डिसीजन लिया उसके बाद शायद वो तेरी एक वो फाइट की बस, और आई डिडंट सी यू एनीवेयर। रेसिंग इज राइट, वो लेकिन अभी दिस इज व्हाट हैपेंस यू नो कि व्हेन यू हैव अ टीम यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, बहुत फर्क पड़ता है, मेक यूज ऑफ इट ब्रदर, मेक यूज ऑफ इट, यू हैव अ टीम, यू हैव अ गुड टीम, मेक यूज ऑफ द टीम,
थोड़ी कह रहे हो, तुम लोग तो वैसे ही अच्छे हो, मेरी क्या जरूरत है। अरे भाई वही मैं तेको बार बार बोल रहा हूँ, तूने कैसे जगह बनाई है तूने, ये सोच और फिर बैकफुट। और ऐसे अगर ये हफ्ते भी चलेगा बैकफुट देन। मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई भड़का है। हाँ उसने वो भड़काने के इंटेंशन से जो चीज़ बोली तो वही वो उसका काम है, इनवैलिड हो जाती है मेरे, वो उसका काम है। और बहुत बार उसने किया भी है, बहुत बार तूने उसको नेगेट भी किया है, वो मैंने वो भी देखा है। हाँ मैं कर देता हूँ। तो कभी भी होगा ऑलवेज टेल मी, बिकॉज ऑनेस्टली इफ आई वॉन्ट टू प्ले अगेंस्ट यू, मुझे हेल्दी कॉम्पिटिशन चाहिए और तुझे भी वही चाहिए। एंड आई वुड लव, मतलब मुझे और आई एम श्योर अभी तुझे भी मजा आएगा, इट बी ग्रेट। अभी फिजिकली थोड़ा कमजोर हो तो थोड़ा भाई थोड़ा नरमाइश से पेश आइए। ठीक है ये आए थे डैमेज रिपेयर करने, ये कोई गैरेज खोल के नहीं रखा हूँ ना, मैं अपने गाड़ी लेके तुम्हारे गैरेज पे आया हूँ रिपेयर कराने। डैमेज रिपेयर कराने वाली एक्टिंग करना नहीं अपने सामने, गेम खेलो सीधा मुंह पे खेलो, रहने दो इनको, लगता है ना कैसा है, रहने दो। मैं ब्लाइंड खेल रहा हूँ, मैं ब्लाइंड खेलने दो मेरे को, मेरे पत्ते वो भी दिखाऊँगा फट जाएगी, गेम पे आएंगे तब की बात तब देख लेंगे, अभी खाली खुल के भी नहीं खेल पा रहे, फटती है भाई फटती है, खुल के मुँह पे लड़ने भी नहीं आ पाते, सब पता चलता है किसके बारे में। साइशा ने क्या मेरे को नहीं बताया, साइशा ने सब बताया मेरे को कौन क्या है मेरा, मेरे को फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ऐसे पांच बेच दूँ रोज रोज डेली। अब ही स्टार्ट प्लेइंग पीपल, क्योंकि वो जो आप बोलेगा लोग उसे मानेंगे, वो सच भी हो सकता है वो झूठ भी हो सकता है 100%। हाँ वो प्ले ऑफ करेगा जाता हूँ, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो टीम ग्रीन है वो स्ट्रॉन्ग है 100%। साइशा ने कन्फर्म ही कर दिया, पता है मुझे अभी भी जो कुछ कर रहा है सब कुछ एक्टिंग है। ठीक है अब सुन, सबसे पहला ब्रेन वॉश पता है वो किसका करेगा? नहीं पूनम शुरू हो गया है तो दिखा क्यों नहीं तेरे को? पता है मेरे को पायल मंदना जीशान क्या कर रही है? अरे मेरे को तो उसकी टीम में से लगा, ब्रेन वॉश उसकी टीम में से क्यों करेगा? उसकी टीम से तो अभी एकदम हीरो मिठा बनेगा जैसे अपने साथ बनता था। पूनम को ब्रेन वॉश करेगा, पूनम को कंट्रोल में। सुन तू और साइशा पूनम को पहले कंट्रोल करो, अपनी साइड रखो, उसको ज्यादा वहाँ जाने मत दो, उसको करो। सुन पूनम से फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, बट चाहिए अगर वो टास्क में जैसे पायल हरकत करती थी भिड़ते रहती थी आपस में, वो करते रहेगी टास्क खराब होगा। हाँ तो साइशा का लेना थोड़ा, साइशा और तू साथ में मिलके थोड़ा लो ना उसको, उससे बातचीत करो, उसको सुनो, उसको उसकी फेंकम फाकी पसंद है तो उसको करने दो। केवी देख उसको बहुत सॉफ्टली टारगेट करता है और वो भी उसको भी पता है, वो भी उसको भी पता है, वो बहुत समझदार है, वो भी कुछ नहीं बहुत समझदार है, बट उसको भी वो ईजिली बिलीव करती है। क्यों ईजिली बिलीव इसलिए करती है क्योंकि उसको दिखाना होता है कि उसने ईजिली बिलीव कर दिया। और केवी को वो ऑलवेज एकदम वही रखती है, केवी केवी वो ऐसे रखती है, उसके आड़ में गेम खेलती है वो। केवी इतनी बार उसको नाम डाला है उसके बाद भी केवी केवी क्यों करती है? क्योंकि उसको लगता है कि वो इससे ख़तरा है, इससे अच्छे रहो, तो वो एक बॉन्ड बना के रखा है उसने। अपन लोग तो चूती है टेकिंग फॉर ग्रांटेड ही हो गया कि ये तो कुछ भी होगा तो ये तो मेरे को साथ देंगे, जब जानबूझ के अपने को इमोशनली वहीं पोक करती है जहाँ पे अपने को ऐसा सोचने पे अपन मजबूर हो जाए, वो जानबूझ के आप पोक करती है कि अरे तुम लोग तो अभी मेरे को अलग कर दियो, ये कर दियो, उसको अटेंशन अच्छा लगता है थोड़ा। और जितना बेवकूफ़ बन रहे थे और दो चार दिन बनना पड़ेगा थोड़ा, देखो आई एम जस्ट वॉन्ट टू सॉर्ट आउट, अगर आपको मेरे से कुछ बुरा लगा आई एम सॉरी, आप बुरे इंसान नहीं हो और मैं भी बुरी इंसान नहीं हूँ। आप अपना इंडिविजुअल गेम खेलो, इनके ब्रेन वॉशिंग इनके बातों में मत आना, मुझे नहीं आना। ये लोग आज अगर स्वीट बन रहे हैं तो इसका ये भी पता होना चाहिए ये लोग क्यों बन रहे हैं। हाँ इनको चार्जशीट डर लग रहा है, चार्जशीट है कल। मेरा तो दिमाग क्लियर है, मंदना जिशान या मंदना विनीत जो भी मेजोरिटी जाएगी जैसे भी जाएगी, वोट डिवाइड करना मैं करूंगी क्योंकि मैं अगले हफ्ते की चार्जशीट में हूँ। अगर मुझे लोएस्ट वोट आया है तो मुझे मेरे से लोएस्ट वोट वाले को डालना है, बात खत्म। जिशान और विनीत वाइल्ड कार्ड से, ये लोग ज्यादा टाइम रहे नहीं है शो में, तो इन दोनों को टारगेट करो, प्लस
मंदना आंटी को तो जाना है, मेरी तरफ से आपको वोट नहीं आने वाला क्योंकि मेरी आपके साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। आपको इस हफ्ते लोवेस्ट वोट्स क्यों आए? क्योंकि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो गई थी अपने ये जीशान मंदना के, इसमें आपने ब्रेन वॉश भी किया प्लस मुझे कॉर्नर भी कर दिया, बहुत कुछ गलतियाँ हुई है। हाँ तो वो गलतियाँ नहीं करूँगी। आप ज़्यादातर इस टाइम पे इनएक्टिव थी क्योंकि गिनियों छुपाने में, गिनियाँ करने में और ये लोगों के साथ एकदम स्वीट बन के, धमाका तो कल और आज हुआ है। अच्छा ठीक है, अरीना के बाद से ठीक है। इन लोगों की ऐसी ही बजाते रहो, तेरे को इतना सब कुछ पता है और तू टेंशन में आ गई, तू तो पहले दिन से धमाका मार रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन डर अभी देखो पूनम पांडे को वोट मिल गया, वो क्या कर रही है, गालियाँ दे रही है। मुझे समझ नहीं पड़ा ये कैसे उसको वोट मिला, दो गालियाँ देती है भैनचोद मदरचोद, इसको कैसे वोट मिल गए? या तो वो सेटिंग करके आई है किसी के साथ वोटिंग का, आप समझते हो वोटिंग की भी तो सेटिंग होती होगी ना। यू डोंट वांट टू बी व्हाट एवरीवन इज पॉइंटिंग एट दैट पर्सन। जो पायल का बन रहा है ऐसे थोड़ा तेरा धीरे धीरे बनते जा रहा है। मेरा बट इन द हाउस और आउटसाइड? नो नो, इन द जेल। नो इन जेल एवरी टाइम देयर इज वन नेम टू बी अनाउंस्ड इन टर्म्स ऑफ द फैंस एंड द ऑडियंस। It's always Payal and Mandana together. It was always Payal first, then it was Payal and Mandana thoda thoda. Now it's becoming Payal and Mandana. And after the Karan Kundrra episode, it's Payal and Mandana. Do not mess with the jailer and the owner of the jail. तो ये जोन जो हो रहा है ना, ये जोन मैं समझ गई हूँ अभी। अभी आप अपना खेलो जैसे आपको ठीक लगता है। मेरी आपके साथ कोई निजी दुश्मनी ना है, मेरी भी नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं निशा से अकेले में भी बात कर रही थी कि मैं हमेशा पायल को अपना नंबर वन समझती हूँ और उसने मेरे साथ ऐसे किया। अरे नहीं, कुछ भी हो जाने के लिए भी खुश थी, मैंने पूरा बैग पैक करके रखा था। इनको रिएक्ट ही मत करो, इनकी कोई बात नहीं करता, कोई एकदम deep wound is my job, but nobody talks to me like this. They talk to so dirtily. बिल्कुल पायल को तेरा कंधा नहीं देना इस्तेमाल करने के लिए। उसको गन इसको गन चला नहीं है बट किसी और के कंधे पे रख के, ठीक है? अपना कंधा किसी और के बंदूक के लिए। वो अभी जीशान पे भड़की है, मंदना पे भड़की है, और मंदना मुझे पसंद नहीं है, जीशान भी मुझे पसंद नहीं है। हाँ तो अपने को भी उसके खिलाफ वही रखने का है, ठीक है? वही क्लियर रखने का है, उन लोगों को लड़ाते रखने का। अभी हाँ केवी भी आ गया, केवी है मास्टर माइंड, वो कोशिश करेगा कि ये लोग एक हो जाए। उनके सामने केवी के बारे में कुछ मत बोलना, समझ गए? उसका एकदम हाँ बहुत इज्जत करता है। हाँ लेकिन अभी तो मुझे बैडास बनना है क्योंकि ये गेम बैडास की है और मेरा सबसे पहला टारगेट ही क्या बैडास है, वो मेरा टारगेट है। उसका सामान कुछ भी जाएगा, मैं सीधा मंदना और ऋषिशान के ऊपर नाम डालने वाली हूँ। जब तेरे से लड़ी हो तब नहीं करनी है, जब तेरे से अच्छी हो तब करनी है। मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जो पूनम पांडे जो है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत गंदा है। कुछ भी इंसान गलती करे ये छड़ जाती है, मेरी सटकेगी मैं फाड़ दूंगी। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा टीम टूट रहा है या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ नहीं होगा। मुझे जो करना है, मैं अपने यहाँ पे सब इंडिविजुअल गेम खेलने आया और मैं अंजलि से भी बात करती हूँ, जलस होती है, बीच में आ जाती है, सबसे होती है, मैं अंजलि बात कर लेती हूँ तब भी जलस। तो गेम को समझ, सुन, सिर्फ बल का गेम नहीं है, दिमाग का। बिल्कुल हाँ ठीक है, तेरे को लगता है ना तू बल नहीं लगा सकती, दिमाग है, बैठ, तेरे को जो सवाल है जो लगे, तेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन तू मेरे को दे, मैं तेरे को दूँ। व्हाट ही इज डूइंग इज अपने पास इमोशनली वो एक एंगल डाल के ही इज बीइंग सेफ फ्रॉम अस कि हमारा सामना जब की टीम में टारगेट केवी ना हो, सबसे लास्ट टारगेट हमारा केवी हो। देख मैंने सिर्फ यही सोचा कि अगर हम मैं केवी और साइशा को यहाँ ले भी लेती हूँ, गारंटी कहाँ है कि वो हमें सेफ खिलाएगा, मेरा मोटिव समझी? तूने जो डिसीजन लिया ना, तूने जो देख तेरा डिसीजन सही था, तो मैं इसके लिए सोची थी
उसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं इससे बहुत टाइट हूँ। बाकी मैं जो भी करती हूँ ना, सब ड्रामे करती हूँ। अगर फेक फाइट किसी को बोलते ना तो मैं करती हूँ। मैंने कुछ सीरियस ही नहीं किया, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये कुछ करता है, मेरे को फ़र्क पड़ता है और ये जानता है। इसके लिए मेरे को इसीलिए गुस्सा है। अपन तीन जो थे ना, अभी अपन स्ट्रांग हो गए। गुस्सा है, अब साइशा आई है तो अपन स्ट्रांग हो गए। साइशा एक नंबर खिलाड़ी है अंजू, उसको यूटिलाइज नहीं किया किसी ने बराबर, तो उसको यूटिलाइज करो, साइशा पहाड़ फाड़ देगी। अभी पायल क्या कर रही है? कह रही अब देखो मेरे को कम से कम वोट मिल रहे हैं, आपको हाईएस्ट वोट मिल रहे हैं, पूनम को हाईएस्ट वोट मिल रहे हैं, तो देखो मैं तुमसे लड़कर दिख सकती हूँ, है ना? अभी मेरे को एक बात बता, जो बंदी इतनी डेस्परेट है, उसका लॉजिक, उसका दिमाग सोचो, ये बोल रही है तेरे को कि पायल सॉरी अंजलि को और पूनम को बहुत वोट्स मिलते हैं, तो मैं उनसे झगड़ा करके दिख सकती हूँ। मतलब यही तरीका है क्या दिखने का? अगर तुम्हारी सोच में ही वो है तो तुम वो बदल कैसे सकते हो? अरे उससे मेरी बोले समझ रही है तू? मेरे बोलने का मतलब बहुत ही इजी। माय डियर सिस्टर आई वाज सो मिसिंग यू। तुम्हारी बुराई चल रही है। आई वाज मिसिंग दिस ब्यूटीफुल स्माइल। लोएस्ट वोट मिल गए, अब क्या करूं? हम तीनों मिलके तुम्हारी बुराई करते तो तुम चल झगड़ा करते। रात में भविष्यवाणी हो गई थी हमारी। लास्ट वोटिंग लोएस्ट वोटिंग मुझे समय में संग्राम करके आ रहा है। उन्होंने क्या किया होगा? रिपोस्ट वही वीडियो डाल दिया होगा वापस, वही शर्ट पहना जो होगा, तो ऑडियंस भी, ऑडियंस को लग रहा होगा अरे ये तो पुराना वीडियो है। उनको बोलो अभी नया वीडियो बना के डालोगे, देखो सुनो पायल वापस आ गई है, तुम्हारी भाभी जो है वो वापस आई है चार्जशीट में चौथी सातवीं बार, तो उसको वापस निकालने का। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बोलता है भाभी। या आई हैव टू गेट मैरिड नाउ, इट्स हाई टाइम वी हैव टू गेट मैरिड। बुलाओगे ना हमें? मेरे को तो ये कभी नहीं बुलाएगी। अभी पता नहीं ये हफ्ता क्या होने वाला है। मेरे को लगी नहीं, आई डोंट लाइक योर नैस्टी फेस। मेरे को बुला के शादी में, आई डोंट वांट यू इन माय शादी। वेज खाना हो तो बुलाना, ठीक है? वेज पुलाव। चांद मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, मेरी जान, रमजान मुबारक, चांद मुबारक, रमजान मुबारक, मेरी जान, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। Happy Guru Parva. Wish you the same, wish you the same. Thank you. Thank you. Thank you, Nisha. I got a message in storage. Oh, that's nice. Ramzan Mubarak, Ramzan Mubarak. Thank you. Tere ko khilaunga actually. Yes. Ramzan Mubarak. Ramzan Mubarak. Thank you. Allah bless. Thank you. Thank you. Thank you. Ramzan Mubarak. Ramzan Mubarak. Same to you. तू आ गई और तू ब्लू टीम में आई है। मजा तो अब आएगा। हाँ, मैं उसके बाजू में सो रही हूँ, चुपचाप एंजी को हटा उधर से। उधर एंजी है ही नहीं। तेरे को बोलने की भी जरूरत है क्या? जा और वो बेड ले ले। कौन है वहाँ पे? उसके बाजू में एंजी है। अंजू तो रात को देख, मैं मस्त तमाशे करती हूँ। करना। आई लव यू गाइस। चांद मुबारक, रमजान मुबारक, एंड टू एवरीवन आउट देयर, चांद मुबारक, रमजान मुबारक, एंड ऑल माय लव टू यू गाइस। थैंक यू। कल होगी चार्जशीट। आई एम एक्साइटेड, आई एम स्केयर्ड। मैं ना आ जाऊँ चार्जशीट में? नहीं नहीं, तुम तो नहीं आओगे। आ सकती हो क्योंकि सब मुझे नोए हो चुके हैं, ठीक है? ये स्पेशली जो पूनम पांडे है ना, ये हमेशा मुझे टारगेट कर रही है। क्यों? पता नहीं क्यों। जो करना है करो, डालो चार्जशीट में, मेरे को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे दिल करेगा मारने की, मैं सबकी एक साथ मारूँगी। मुझे किसी को इरिटेट करना हो, मैं उसके फाड़ के उसको इरिटेट कर दूँ। इतना इरिटेट कर दूँ कि उस बंदे का खाना पीना जीना मुश्किल हो जाए। ये बेस्ट है। हाँ, और मुझे जब एंटरटेन करना हो, मस्ती करना हो, तब मैं अपना मस्ती करती हूँ। मैंने मुनव्वर को भी बोल दिया, अगर ये जो नंगी पांडे जो है, ये अगर मुझसे पंगा लेती है तो मैं इसके फाड़ के रख दूँगी। क्या बोला उसने? बोला अगर वो दोबारा करती है तो तुमको जो करना है करो। You give it back there and there. इसको नंगी होने का शौक है तो हम अच्छे से नंगा करेंगे फिर। Bye.
ट्राई करो कि पायल के साथ क्लियर आउट हो जाए. आपका नाम जाशिर से बचेगा, वो जीशान का नाम डाल देगी. जीशान और मंदना पायल के साथ या तो दुश्मनी बना लो. दुश्मनी तो मेरी फुल है, पायल तो है ही, लेकिन वो पैरेलल है मेरी असली दुश्मन. पायल भी दुश्मन नहीं है, वो तो ऐसे टाइम पास. वो टाइम पास दुश्मन दुश्मन नहीं, वो तो ऐसे टाइम पास. ज़्यादा नहीं कर सकती, रूल्स नहीं ब्रेक कर सकती. ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है और बहुत एज के लोग ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, तो आई डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग कि जो लोगों को बुरा लगे. प्रॉमिस भी पूरी करनी थी और लिमिट्स भी क्रॉस नहीं करने थे, तो मैंने उस हिसाब से किया. जिन लोगों के लिए शो के बाहर आगे मैं सब कुछ करती हूँ ना, लेकिन मैं आपको इस पूरे हफ्ते भर भर के एंटरटेनमेंट दूंगी. वो आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो प्लीज़ भड़कना मत. और रिमेंबर दिस एक्ट्रेस प्रिंसेस. व्हाट ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तुझसे बात नहीं कर रही थी, तू क्यों आया? मैं इससे बात करती, मैं आपसे कर रही थी. क्या चल रहा था? ये हमारे बीच की बात है. ठीक है, थोड़ा मर्यादा में रहो. तुझे बोलने की जरूरत नहीं. ओए पूनम पांडे की मर्यादा पूनम पांडे बनाती है. माय डियर सिस्टर, भाई तो अनकंफर्टेबल होता है ना. नहीं, इसके लिए मैंने अपनी जो भी चीजें की, आई डिडंट नो वे कि मर्यादा नहीं टूटे और कुछ हो ना. मजाक कर रहा हूं. हो गया ऑलरेडी मेरा काम. क्या अली वाला मैस्टरबेशन वाला एंगल क्या है? सो मैंने है ना रात, इट वॉज वेरी लेट इन द नाइट. मंदना पहले गई थी, उसके बाद अली गया, उसके बाद मैं गई. तो राइट एट द एज ऑफ द पॉट इतना बड़ा ब्लॉब था और वो और क्या हो सकता है, वो मुझे पता तो और कुछ नहीं है. भाई मंदना का तो होगा नहीं, मेरा तो होगा नहीं, क्योंकि मैं साफ करके बताऊं क्योंकि दुनिया को कि मैंने निकाला है. बराबर. तो मैंने मजाक में जस्ट द वे यू लाफ्ड नाउ, दिस इज हाउ दैट कन्वर्सेशन वाज विद मंदना. एंड हाउ डिड इट कम अक्रॉस? डिड यू सी द एपिसोड? आई सॉ पार्ट्स ऑफ इट. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? इज दैट deliberate attempt to take brownie points on your name because you were not there? Yeah, but or it is a genuine just a way of handling the situation, because is pe character assassination ho jate hain purushon ke. To maine dekh, maine Ali ke sath ye baat khatam kar di. I spoke to him, I clarified it, and I cleared it out. Now as far as Mandana is concerned, I'm going to wait, because what she's doing I have understood in my head. Because she tried to fuck me really royally this week, spoiled her stand because rukna main aati hu ha kyunki niche kuch ha khali bata rahi hu. Kisi se influence hone ki koi zarurat nahi hai. Tera dil kya kehta hai, teri game kya kehti hai, wo dekhiyo. Abhi ye chal raha hai na jo, this is happy friendship day. हाँ, कल दूसरे दिन आप भी लोगों का फिर हो जाएगा. एंड आई डोंट लाइक दिस. मुझे भी नहीं पसंद है. बाकी जिसका जो दिल करता है करे, क्योंकि नॉन स्टॉप मुझे कोई टारगेट कर रहा है हर एक चीज़ में, तो ऑब्वियसली मैं उनका भी नाम, उनका नाम तो लूँगी. तेरे को कोई नहीं डाल रहा. डालने की बात नहीं है, अभी पता नहीं कर क्या होगा. अपने खुद की टीम में से किसी को डालना होगा तो वही तो ना. कुछ भी हो सकता है. मेरा बस चलता तो एक साथ चार पाँच लोगों को बाय बाय. देखते हैं क्या होगा. मुनावर का मेकअप कल करेंगे, आज थोड़ा बिजी है, नए नए लोग आए ना. आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा. सबको बस जानना है उनके बारे में, किसने क्या किया, कौन कितना दिख रहा है. अब मैं उन लोगों के साथ फिर से रह रही हूँ तो इतना अजीब हो रहा है, क्योंकि मुझे पायल एक्चुअली पसंद आ रही है, और बाहर ऐसे लग रहा था कि पायल ऐसे क्यों कर रही है, मंदना ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन अंदर आने के बाद ऐसे लग रहा है कि फक ये तो फ्रेंड्स है. तो यस, आज का दिन कुछ ऐसा रहा. तो कल मिलेंगे इसी समय इसी कैमरा में. केवी से मेरे को नफरत हो रही है. आई हेट ऐसे लोगों से, मैं बहुत नफरत करता हूँ. क्यूटास कम ना. माय नंबर वन क्यूटा, माय नंबर टू क्यूटा, नंबर थ्री क्यूटा वो मैं हूँ. क्या है
क्या लिखा उस कुछ नहीं वो ये ब्लैक वाले पे ये ऐसे ही है तो ना लगाऊंगी मैं अंजलि 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 सिर्फ अंजलि अंजलि सिर्फ अंजलि 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 ओ इधर भी पीआर एक्टिविटी चालू है वो फॉक हर जगह लिखा हुआ है इसने कुतिया तू रुक मुनाइशा भी पहुंच रहा है अब बिल्कुल देख तभी तो मैंने मुनंजली छुपा दिया मुंजली क्या है मुनंजली हाँ, पता भी नहीं है मुंजली छुपा दिया मैंने बोले ट्रेंड तो मुंजली हो रहा है अभी चेंज हो गया ट्रेंड साइशा इज बैक इन द हाउस वी मुनाइशा ट्रेंड कर रहा है आ जा ना साइशा इधर आना ही पड़ेगा आ जा बोल जाइए कम ना साइशा इधर आ जा मैं उधर चली आती वहां पे पूनम के सामने बैठ जा नहीं मैं इधर आ रही हूं अरे तो वो छह लोग ऐसे परफेक्ट बातचीत कर सकते ना वो आसमा तू इधर आ जा नहीं बैठने दे उसको उधर बांधना अरे मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है लाइफ में अंजलि देवी की खास है साइशा तो तुझे क्या पता कि मैं तेरे लिए आई हूं इसके लिए आई हूं मुझे क्या मैंने कहा बोला आई वाज दवाई का सिलसिला है ना अभी बंद करना है शो मी पेंडी तो नहीं इधर दे पेपर पढ़ ले एक बार तूने आज वाला एडिट देखा थैंक यू भाई साइज शो अरे आज वाला नहीं देखा आज तो अलग ही था कौन सा एडिट रोमांटिक एडिट था दोनों का फुल लव एंगल बैकग्राउंड में ज़ूमिंग नॉट दोस्ती वाला एंगल देख रहे हैं मतलब अच्छा स्क्रीन पे दिखा रहा है गाना डाल के प्रॉपर एडिट हाई स्पीड शॉट्स डाले उसके और स्लो मोशन स्लो मोशन शॉट्स और हर लड़का और लड़की छुपाएंगे अपन ये जब तक देखी जाएगा लोग वो नहीं छुप पाएंगे कितना छुपाएंगे बस हो गया बता दें यहाँ पे शो पे आने से पहले हम एक दूसरे को जानते हैं ओह माय गॉड द बेस्ट थिंग यू नो कंफ्यूज द ऑडियंस कमीना बता देते अभी नहीं टाइम आने पे 4 महीने पहले से हम एक दूसरे को जानते पकड़ इसको यू नो मुझे ऊपर ही खिचड़ी कुछ अपनी आई कैन फाइंड योर एड्रेस इन अ स्प्लिट सेकंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर डोर बहुत सिक्योरिटी है अरे क्या सिक्योरिटी साइशा के सामने हर सिक्योरिटी पीके पड़ जाती है बहुत सिक्योरिटी ऊपर मैं जिस प्यार से बात करती हूँ सब सब ऊपर तक आने के लिए बहुत सिक्योरिटी से कुछ सब कर मैं कर तू चैलेंज कर रहा है मेरे को मैं तेरे घर के मैं तेरे घर के बाहर आके खड़ी होके दिखा सकती हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैंने कब बोला कश्मीरा शायर वेरी बैड जोक बहुत गंदा था वो वेरी बैड जोक 5 हफ्ते हो गए हैं बस 5 हफ्ते बाकी हैं गेम कहां से शुरू हुआ था और कहां आ गया है बट देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो जो बोलता नहीं था वो बोलने लगा है जो सुनता नहीं था वो सुनने लगा है हर कोई मास्टरमाइंड बनता जा रहा है लेकिन इन्होंने अत्याचार का अब तक सिर्फ टीजर देखा है अत्याचार की पूरी फिल्म देखनी अभी बाकी है दिस गेम इज लाइक टाइम कीप्स चेंजिंग एवरी सेकेंड यहां वही जीतेगा जो होगा सबसे बैडएस सी यू नेक्स्ट वीक